Hello everyone, welcome back to my channel Mirza Aizal. So today's vlog is all about Dubai Mall and Burj Khalifa. So मैंने अभी दुबई मेट्रो में एंट्री ली है और मैं जा रहा हूँ दुबई मॉल की ओर. ये जो लेफ्ट में बिल्डिंग देख रहे हैं ये म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर है और जो सामने ये टॉल स्काई स्क्रेपर्स हैं ये सभी मेन डाउन टाउन में हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर बुर्ज खलीफा एंड दुबई मॉल व्यू. दुबई मॉल में एंट्री कर ली है जस्ट. जो यहाँ पे ये वॉक के लेटर्स है इस पर हम लोग मतलब मैं जा रहा हूँ अभी. और यहाँ से वॉक के लेटर्स अराउंड 10 मिनट्स का है डिस्टेंस जिस पर मुझे वॉक करते हुए जाना है. उसमें मिनिमम 10 मिनट्स लगता है. तो ये सबसे ज़्यादा टायरिंग पार्ट है दुबई मॉल में जाने के लिए. एंट्री कर ली है दुबई मॉल में. एग्जैक्टली जो पैसेज है दुबई मॉल का मैं उसमें आ चुका हूँ. एंड अभी बस थोड़ी दूरी पर आई थिंक 100 मीटर्स का वॉकिंग डिस्टेंस है. वहाँ से मैं दुबई मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाऊँगा एंड देन आप लोगों को दिखाते हैं बुर्ज खलीफा फाउंटेन शो दुबई मॉल में कितने रिटेलिंग स्टोर्स हैं और सभी. सो ओके, तो ये मैं एंट्री ले रहा हूँ दुबई मॉल के ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा फैशन एवेन्यू. इसके राइट साइड से फैशन एवेन्यू वे जा रहा है पैसेज. इधर जाके हमारे जितने लग्जरी कलेक्शंस के जो स्टोर्स हैं जैसे कि लुई विटॉन, शनेल, बुल्गारी एंड मैनी मोर. तो फैशन एवेन्यू में मुझे फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए आगे से राइट में जाकर एक एस्केलेटर लेना होगा देन तभी मुझे एक्सेस मिलेगा. और मेरे पीछे ये अरमानी व्यू एक एंट्री गेट है हमारे उसके लिए फैशन एवेन्यू के लिए. जो फैशन एवेन्यू वाला पार्ट है दुबई मॉल का वो काफ़ी अच्छा बना हुआ. एंड जो मेरा स्टोर है सफोरा वो आगे लेफ्ट साइड पर है तो मुझे सफोरा जाके आना है. एंड उसके सामने बैलमैन है तो हमेशा मुझे बैलमैन की जो टी शर्ट है उसका बहुत बड़ा ऑब्सेशन है. तो अभी पहले मैं सफोरा जाता हूँ एंड उसके बाद जो मुझे अपना यहाँ से परचेस करना है वो मैं करके देन अपडेट करूँगा. सो ये है दुबई का सफोरा स्टोर एंड यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ. मैंने कर लिया जो मुझे हेयर केयर लेना था वो तो नहीं मिला बट अभी जो मुझे स्किन केयर में मिला है वो मिल गया एंड कुछ परफ्यूम्स लिए मैंने. मैं आप लोगों को घर पहुँच के दिखाता हूँ. मैंने एंट्री ले ली है दुबई मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे और अभी सामने है एक एप्रिल ब्यूटी परफ्यूम स्टोर. इस स्टोर में वर्ल्ड के सभी लग्जरी जितने भी ब्रांडेड परफ्यूम्स हैं वो सभी अवेलेबल हैं. और जो ये इनका डिस्प्ले है ये बहुत ही अमेजिंग व्यू देता है. दुबई मॉल में एंट्री करने के बाद ही फर्स्ट फ्लोर पर ही मुझे खुल गया है क्लोथिंग ब्रांड स्टोर रिजर्व. यहाँ से मैंने बहुत बार शॉपिंग की है और अभी यहाँ पे सेल चल रहा है दुबई में तो मैंने सोचा एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ क्या है. काफ़ी अच्छा मैं यहाँ पे अभी कलेक्शन आया हुआ है समर का तो अभी मैं देखता हूँ अगर कुछ मिलता है तो. एंड बाकी आज का मेरा आउटफिट है वाइट, टोटली वाइट. तो मैंने ये वाइट नाइकी शू पहना है एंड उसके बाद लेवाइस वाइट डेनिम एंड H&M का ये स्ट्रिप टी शर्ट है. तो फाइनली मैं अभी खड़ा हूँ जस्ट ह्यूमन वाटरफॉल के पीछे और यहाँ पर जो इसका पानी गिरने की आवाज़ आ रही है बहुत ही अमेजिंग है. एंड ये जो पूरा ह्यूमन वाटरफॉल है एक अपने आप में बहुत यूनिक है. ये दुबई मॉल का मेन फैशन एवेन्यू वाला साइट है. यहाँ पे भी सारे जो लग्जरी स्टोर्स जैसे कि डियोर, जिमी चू, मेबैक एंड बहुत सारे हैं. इधर बुल्गारी का स्टोर भी आई थिंक इधर ही है. इट लुक्स अमेजिंग. यहाँ का जो वाइब है बहुत ही मस्त है. ये जो एक फेल है लाइट्स का ये बहुत अमेजिंग लगता है. आई थिंक वीडियो में इतना अमेजिंग नहीं लग रहा जितना ये रियलिटी में लगता है जब ये लाइट्स एकदम से पूरा पोर्शन आ गया. एंड आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ. मैंने वॉशरूम को भी रिकॉर्ड कर लिया एंड बहुत ही क्लीन था वॉशरूम. दिस इज़ द वे ऑन द राइट टू द टॉप ऑफ द बुर्ज खलीफा एंड ऑन द लेफ्ट देर इज़ अ आर्ट गैलरी जहाँ पे बहुत सारे दुबई के ट्रेडिशनल मोन्यूमेंट्स का मिनिएचर वर्जन और भी बहुत सारे क्लॉथ्स ये सब मिलेंगे. तो मैंने ये सब रिकॉर्ड किया है एंड इसके आगे जो है वो होगा मुझे दुबई फाउंटेन्स की तरफ जाने का रास्ता है जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ. तो आ चुके हैं दुबई मॉल से बाहर बुर्ज खलीफा की तरफ और यहाँ पर अभी फाउंटेन शो चल रहा है. बट अभी इस वाले फाउंटेन शो को मिस कर देते हैं. मैं आप लोगों को दूसरा फाउंटेन शो दिखाऊँगा. Mm-hmm.
मैं पहुंच चुका था जो ये बीच में ब्रिज था वहाँ पर, क्योंकि यहाँ से बुर्ज खलीफा का पूरा व्यू बहुत अच्छा दिखता है और जो फाउंटेन शो होता है। और एवरीवन वाज वेटिंग हियर फॉर द आइकनिक मोमेंट, क्योंकि आज 15th अगस्त था एंड यहाँ पर बुर्ज खलीफा पर इंडियन फ्लैग को अभी दिखाने वाले थे। सो दिस प्लेस वॉज टाइटली पैक्ड विद द क्राउड एंड मुझे अभी जो वीडियो शूट हो गया अच्छे से, लेकिन इसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला अच्छे से शूट करने का। ऑल दो मैंने जो अभी इंडियन फ्लैग को इन्होंने दिखाया था उसको मैंने अच्छे से शूट किया थैंकफुली, एंड ये पूरा बुर्ज खलीफा का व्यू है जो मैंने अभी उस इवेंट से पहले शूट किया था। ये जो सामने बिल्डिंग है ये एप्पल स्टोर है, दुबई मॉल का फर्स्ट स्टोर यही था। ये बहुत अच्छा बना हुआ है और ये सारी बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं जो कि रात में बहुत अच्छा व्यू देते हैं लाइटनिंग्स का एंड ऑल। एंड द फाइनल इवेंट इज ओवर, जो आइकनिक मोमेंट है वो बस स्टार्ट होने वाला है। अभी मैंने एंट्री की है सूक दुबई मॉल का पोर्शन, जो कि दुबई मॉल का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। ये सूक दुबई मॉल का सेंट्रल हॉल है जहाँ पे 155 मिलियन ईयर्स ओल्ड डायनासोर का फॉसिल को अरेंज किया गया है। और ये वीडियो में इतना बड़ा नहीं लग रहा है बट रियलिटी में बहुत ही एक ह्यूज फॉसिल है। आई डोंट नो कितना बड़ा होगा ये रियलिटी में। I have reached to the aquarium of Dubai Mall. I think this is one of the biggest aquarium in the world. एंड आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके अंदर जाऊँ, तो आज मैं इसको बाहर बाहर से दिखाता हूँ आप लोगों को। एंड अंदर जाने के लिए टिकट भी लेना पड़ेगा जो कि मैंने ऑलरेडी लिया नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं दूसरा जो ब्लॉग बनाऊँगा उसमें दुबई मॉल में ना आकर आई विल गो टू द बुर्ज खलीफा एंड दिस एक्वेरियम और जो इसमें अंडर वाटर जू है आई विल कवर दैट पार्ट। तो अभी आप लोग बताइए मुझे, फिर आप लोगों को बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर और बुर्ज खलीफा के अंदर का एक और ब्लॉग चाहिए, उसी में मैं ये जो जू है उसको भी कवर कर लूँगा एंड जो एक्वेरियम के अंदर है जिसमें एक टनल होता है, चारों फिशेज होती हैं, वो भी मैं उसी में कवर करने वाला हूँ। एंड इसका जो छत है वो भी बहुत अमेजिंग वे में डिज़ाइन किया गया है, हमेशा ये ट्विंकलिंग स्टार्स दिखते रहते हैं इसमें। इतना कुछ घूमने के बाद मैं आ गया था फाइनली फूड कोर्ट में। आई वॉज़ रियली टायर्ड एंड हंग्री एट द सेम टाइम। तो अभी मैं इधर आके सबसे पहले जा रहा हूँ अलबेग की तरफ। अलबेग यहाँ का बहुत ही फेमस एक अरेबिक रेस्टोरेंट है जो बहुत ही अच्छे स्नैक्स एंड फूड प्रोवाइड करता है। टुडेज़ व्लॉग वाज़ अबाउट दुबई मॉल एंड फाउंटेन शो ऑफ बुर्ज खलीफा। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा एंड अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। And don't forget to subscribe to my channel and we'll see you in the next vlog. Till then, take care, bye.